आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे। ठीक, तो जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है वो बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बस कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। तो देखिए, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें चेंज होती हैं। कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं? पहला चेंज होता है टेंस चेंज। ठीक, क्या होता है चेंज? टेंस चेंज। दूसरा चेंज होता है पर्सन चेंज। तीसरा चेंज होता है जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि टेंस चेंज कैसे होता है, पर्सन चेंज कैसे होता है, और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक, तो क्या कीजिए, पहले जो मैंने बताया कि क्या क्या चेंजेस होती हैं उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो पहला चेंज होता है क्या? टेंस चेंज। ठीक, दूसरा जो चेंज होता है वो क्या होता है? पर्सन चेंज। तीसरा जो चेंज होता है वो क्या होता है? अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। यही तीनों चीज चेंज होते हैं। तो टेंस चेंज कैसे होता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल कितने टेंस होते हैं? तीन टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों के सब टाइप कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रेजेंट के चार हुए, पास्ट के चार हुए, फ्यूचर के चार हुए। तो जितने के जितने प्रेजेंट टेंस होते हैं वो सारे के सारे अपने सामने वाले पास्ट टेंस में बदलते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के सामने वाला कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो किसमें बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा वो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ठीक, और जितने के जितने पास्ट टेंस होते हैं वो कैसे चेंज होंगे? जितने के जितने पास्ट टेंस होते हैं वो एक टेंस छोड़ के अगले टेंस में बदलता है। जैसे जैसे सबसे पहला आएगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो देखिए, तो एक टेंस छोड़ के अगले में बदलेगा, मतलब जब पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद वाला जो टेंस है उसको छोड़ दीजिए, तो इसके बाद वाला कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये है कि पास्ट इंडेफिनिट कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं बदलेगा। किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट हमेशा किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद वाला कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। तो कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेगा। कहाँ बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। अभी मैं जितना बताती जा रही हूँ बस सुनते जाइए, उसके बाद मैं सारी की सारी चीजें आपको नोट करवा दूंगी। लेकिन देखिए, अब अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट के बाद लास्ट वाला क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद तो कोई और है नहीं ना। तो मैंने क्या कहा अभी? मैंने यही बताया आपको कि एक टेंस छोड़ के अगले टेंस में बदलेगा। तो कभी भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो बदलने वाला नहीं है। तो इसके बाद कोई और टेंस दिया नहीं गया है। तो इसका सिंपली मीन ये है कि जो पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक, ये बात हो गई प्रेजेंट की, पास्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की क्या बात है? फ्यूचर के जितने भी टेंस हैं, जो चारों हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ इसमें क्या चेंज होता है? विल बदल जाता है उड में, शैल बदल जाता है सुड में, कैन बदल जाता है कुड में बदल जाता है माइट में। ठीक, तो पहले इतनी चीजें नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, अब हम चलते हैं उसी चीज की बात करते हैं। टेंस जो मैंने बताया आपको वही लिखवा देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम बात लिख लेते हैं इसे प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस किसमें बदलता है? पास्ट टेंस में। ठीक, तो पहला इसमें आएगा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने किस में बताया, अपने सामने वाले पास्ट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बराबर में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा वो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं सिर्फ पी लिख रही हूं, पी का मतलब है, इस पी का मतलब है परफेक्ट। ठीक, अगला जो बात है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अब देखिए इसको बताने का मतलब क्या है कि कैसे आप चेंज करेंगे। देखिए, जब आपको मिल जाए कि वर्ब के साथ यस या यस, अभी मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस की बात कर रही हूँ, असर्टिव में कौन सा, अफर्मेटिव। तो अगर आपको वर्ब के साथ यस या यस मिल जाए, मतलब सिंगुलर नंबर के साथ, लेकिन जब भी प्लूरल नंबर है तो उसमें वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगेगा। तो अगर आपको वर्ब के साथ यस या यस मिल जाए सिंगुलर नंबर में, और अगर प्लूरल नंबर के साथ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में बदलने का सिंपली मेन ये है कि आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक, लेकिन अगर निगेटिव में है तो यहाँ पर आपको डू डज मिलेगा, या इंट्रोगेटिव में भी है तब भी आपको डू डज मिलेगा, तो इसमें किस में बदल देंगे आप, उसको डिड में बदल देंगे। ठीक, फिर नीचे मूव कीजिए, क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो जब भी आपको कोई सेंटेंस गिवन है उसमें लिखा गया है इज एम आर, तो इज एम आर को किस में बदल दीजिएगा, वाज और बेयर में। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव, तो उसको किस में बदल दीजिएगा, हैड में। लेकिन अगर आपको मिल जाए हैज बीन और हैव बीन, उसको किस में बदलेंगे, हैड बीन में। ठीक, तो सारी चीजें आप इसको नोट कीजिए फटाफट से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। ठीक, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट टेंस की। तो जो पास्ट टेंस है वो एक टेंस छोड़ के, सिंपली ऐसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, एक टेंस छोड़कर अगले में बदलेगा। ठीक है जी, अब लिख लेते हैं इसको कैसे। पहला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। मैं टी लिख दे रही हूं, टेंस नहीं लिख रही हूं पूरा। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। दूसरा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक, अगला तीसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये दोनों के दोनों नो चेंज। फटाफट से रिकैप करते हैं, अभी तक मैंने क्या बात कही है। मैंने सिर्फ इतना बताया है आपको कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें आपकी चेंज होती हैं। कौन सा, पहला चेंज होता है टेंस चेंज, दूसरा चेंज होता है पर्सन चेंज, तीसरा चेंज होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज। तो अभी मैंने सिर्फ टेंस चेंज की बात कही है, तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जितने के जितने प्रेजेंट टेंस होंगे वो सारे के सारे अपने सामने वाले पास्ट टेंस में बदलेंगे। अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं तो पास्ट टेंस एक टेंस छोड़ के अगले टेंस में बदलेगा। ठीक, वही मैंने लिखा है, नोट कीजिए इसको फटाफट से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं किसकी बात करते हैं, फ्यूचर टेंस की।
फ्यूचर टेंस नो चेंज, ओनली क्या चेंज होगा, ओनली चेंज होगा विल, किसमें चेंज होगा, उड में, उल्ड नहीं पढ़ेंगे उड पढ़ेंगे, यल साइलेंट है, शैल किसमें चेंज होगा, शुड में, कैन किसमें चेंज होगा, कुड में, मे किसमें चेंज होगा, मे चेंज होगा आपका माइट। सिर्फ इतनी सी बातें आपको टेंस चेंज में याद रखनी है, इसको फटाफट से नोट कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, पर्सन चेंज की। तो पर्सन चेंज में, पर्सन चेंज में क्या करते हैं, तीन पर्सन होते हैं, कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम उसको लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका दो चीज आएंगी, कौन कौन सी चीज आएगी, आई और बी, ठीक, इन दोनों को हम मानते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में केवल एक चीज आती है, सिर्फ एक चीज, कौन सा, यू, बाकी जितने सब्जेक्ट आपको बचे हैं कौन कौन सा, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, दे हुआ, इसको हम रखेंगे थर्ड पर्सन में। क्या बताया मैंने, आई और बी सिर्फ फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आएगा, थर्ड पर्सन में बाकी सभी को रख दीजिए। अब देखिए उसका हम पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले इधर लिखेंगे हम पर्सन, इधर हमने पर्सन लिखा, उसके बाद हम लिखते हैं पहला वाला जो आएगा उसको हम लिखते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्टिव केस। दूसरा वाला जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, पोजेसिव केस। ठीक, कौन कौन सा है, सबसे पहला सब्जेक्ट, ऐसे पढ़ते हैं ना जब टेंस पढ़ते हैं, नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद कीजिए कि जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस गिवन है सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद कौन सा देखते हैं, वर्ब देखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां से जान लीजिए वर्ब तो गायब हो गया, तो क्या याद करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्टिव, उसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव। तो पहला हुआ सब्जेक्टिव केस, दूसरा हुआ ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा याद कर लीजिए कैसे भी, पोजेसिव केस। तो पर्सन में कौन कौन सा आएगा, मैंने क्या क्या आपको बताया है, पहला आएगा फर्स्ट पर्सन, ठीक, दूसरा आएगा आपका सेकंड पर्सन, तीसरा आपको मिलेगा थर्ड पर्सन। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा, आई और बी, तो इसको लिख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आएगा आई और बी। सेकंड पर्सन में क्या बताया मैंने आपको, सेकंड पर्सन में मैंने आपको बताया है यू आएगा, ठीक। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में बाकी सभी को लिखते हैं, कौन कौन सा बचा है, ही, फिर कौन सा बचा है, सी, फिर कौन सा बचा है, इट, इसके बाद कौन सा बचा है, दे, ठीक है। अब इसका हम इस चार्ट को भरते जाएंगे, भरेंगे कैसे, आई का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, आई का पोजेसिव केस लिखेंगे। तो देखिए ऐसे करते हैं ना, जब आई के साथ अपने की इंग्लिश लगानी होती है तो हम क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं ना, लेकिन जब हमने एक्टिव पैसिव की बात कही थी तो हमने कहा था कि अगर आई कभी भी दिया गया है आपको सब्जेक्ट के रूप में, जब आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मी। तो वही चीज है, वही है, मी जो है उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, जो माई है वो क्या है, उसका पोजेसिव केस। तो यही भरते हैं कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, मी, और उसका पोजेसिव केस क्या है, माई। फिर देखिए मैंने आपको बताया था कि जब बी को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब मैंने एक्टिव पैसिव पढ़ाया था मैंने बताया था कि जब बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, अस, तो इसमें का क्या लिखेंगे, अस। ऐसे देखते जाइए, यू का जब ऑब्जेक्ट बनाते थे उसका क्या था, यू,
ही का जब बताते थे तो क्या बताते थे? हिम. शी का बताते थे तो क्या बताते थे? हर. इट का बताते थे? इट. दे का बताते थे? देम. सिंपली जो आपने पैसिव वॉइस में पढ़ा है, जिसने मेरा एक्टिव पैसिव वॉइस वाला लेक्चर नहीं लगाया है वो जाकर इस लेक्चर को देखेंगे, ठीक. तो वही जो मैंने आपको पहले बताया था, सिर्फ मैंने अभी तक वही लिखा है, ठीक. अब हम बात करते हैं बी के साथ हमारे की इंग्लिश क्या लगाते हैं. वही बस, सबके साथ हमारे की इंग्लिश क्या लगाते हैं वही देखते जाइएगा. बी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? हमारे, सॉरी मैंने कहा हमारे, अपने. तो बी के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? आवर. यू के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? योर. ठीक. ही के साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाते हैं? हिज. शी के साथ? हर. इट के साथ? इट्स. दे के साथ? देयर. यही लगाते थे ना, टेंस पढ़े थे हमने, तो टेंस में हम यही बताया है ना कि किसके साथ अपने की इंग्लिश क्या लगाई जाती है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है. आई थिंक मैंने 2 या 3 लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो मैंने अभी बताया, जो मैंने एक्टिव पैसिव में बताया था वो चीज मैंने यहाँ लिखी है, जो मैंने आपको अपने के साथ बताया था वो चीज मैंने यहाँ लिखी है. फिर से रिकैप कर देते हैं. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा? आई और बी आएगा. सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आएगा, बाकी जितने हैं सभी को किसमें रख दीजिए? थर्ड पर्सन में. आई का कौन कौन सा है? आई का देखिए, आई है, मी है, माई है. बी का कौन सा है? अस है, आवर. यू का कैसे है? यू है, योर है. ही का? हिम, हिज. और सी का तो याद करने का बहुत सा अच्छा सा तरीका है, कहते हैं ना हर हर महादेव, तो बस वैसे ही है, सी हर हर, ठीक. उसके बाद इट का भी आसान है, इट इट. लास्ट में क्या लगा दीजिए? यस लगा दीजिए. दे का? देम. दियर. तो इसको कैसे भी याद कर लीजिएगा, इसको नोट कीजिए. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब देखिए, इसमें चेंज करते टाइम आपको एक फार्मूला याद करना होता है. फार्मूला कुछ टफ सा नहीं है, ऐसे मैथ के फार्मूले की तरह नहीं है कि आपको रट्टा मारना होगा, बस एक बार देख लेंगे आपको याद हो जाएगा. फार्मूला आपका क्या है? फार्मूला है, पहले लिखते हैं फार्मूला. तो फार्मूला आपका क्या है? यस ओ एन अपान 1 2 3. अब सोच रहे होंगे कि मैम इसका मतलब क्या है यस ओ एन 1 2 3. कुछ लोगों को पता होगा तो, और कुछ लोग को नहीं पता होगा. तो देखिए, यस का मतलब है क्या, यहां मैं सारी की मीनिंग लिख देती हूँ, कि यस बराबर है सब्जेक्ट, ठीक. ओ मतलब है ऑब्जेक्ट, एन मतलब है नो चेंज, ठीक. वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन, टू का मतलब है सेकंड पर्सन, तीन का मतलब है थर्ड पर्सन. तो इससे ये निकल के आ रहा है कि जो भी फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट में बदलेगा, जो भी सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट में बदलेगा, जो भी थर्ड पर्सन होगा वो नो चेंज, ठीक. तो बस अभी सुनते जाइए, कहानी की तरह एकदम सुनते जाइए, याद करते जाइए. इसका यूज कब होगा, कैसे होगा, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी, लेकिन बस अभी याद करिए, क्योंकि जब तक इन चीजों को याद नहीं करेंगे, यकीन मानिए आपको कभी भी कोई भी टीचर समझा नहीं सकता है. तो इसको नोट कीजिए फटाफट से. आई होप आपने नोट कर लिया होगा. अब हम चलते हैं, जैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या चेंज होता है. जैसे तो अगर आपको सेड मिल गया, सिंपली सेड, और सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आप सेड का सेड ही रहने देंगे. क्या करेंगे? सेड का सेड रहने देंगे. लेकिन अगर सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है, मीन सेड टू है, तो सेड टू को आप बदलेंगे किसमें? टोल्ड में. अगर से है तो से को बदलेंगे टेल में. अगर सेज है तो सेज को बदलेंगे टेंस में, ठीक है. लेकिन अभी मैं ये किस चीज की बात कर रही हूं, मैं ना तो इंट्रोगेटिव में WH की बात कर रही हूँ, ना ही मैं यस या नो की बात कर रही हूँ. मैं सिर्फ और सिर्फ अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात बता रही हूँ. सिर्फ अफर्मेटिव में ये नियम डाल के आएंगे, ना कि किसी और में. सिर्फ अभी अफर्मेटिव सेंटेंस की. जो टेंस पढ़े हैं आपने, टेंस चेंज पढ़ा आपने, पर्सन चेंज पढ़ा, ये सारे के सारे में रूल लगेंगे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अफर्मेटिव में ये रूल लगाएंगे और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगाएंगे.
नहीं, वो सब में वही रूल लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कॉमा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, सेड को किस में बदलेंगे, सेज को किस में बदलेंगे, ये सभी के लिए स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि अफर्मेटिव में दूसरा नियम होगा, डब्ल्यू एच में दूसरा होगा, यस या नो में दूसरा होगा। तो सिर्फ अभी जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने बात कही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की है, अफर्मेटिव में। तो देखिए और चीज क्या है कि इसमें कॉमा हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, अफर्मेटिव में कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, इसको फटाफट से नोट कीजिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहले एग्जाम्पल देखने से पहले पहले हम फटाफट से वही चार्ट जो अभी मैंने बनाया था उसको फटाफट से बना लेते हैं। मैं ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स में नहीं लिख रही हूँ, बस मुझे छोटा सा बनाना है आपको समझाने के लिए, तो मैं बस छोटा सा बना दे रही हूँ। आप भी मेरे साथ बनाते चलिएगा अपनी अपनी कॉपियों में, आलस करके नहीं बैठेंगे। मैं बनाती चल रही हूँ तो आप भी बनाते चलिए मेरे साथ। She her her it it its they them their। I hope आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज। अब हम बात करते हैं, फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, yes o n 1 2 3। अब सारे के सारे बच्चे जिसने जो पहले से देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा ये कि yes o n और 1 2 3 का मीनिंग क्या है। तो अब मैं दोबारा इसको नहीं बताने जा रही हूं। तो देखिए एग्जांपल की तरफ हम मूव करते हैं। जैसे दिया गया है ही सेड टू मी, इसको इधर लिखते हैं थोड़ा सा, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, क्या लिखा मैंने कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो देखिए इधर वाले को जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ठीक, जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, क्या कहा मैंने, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उनको एक अच्छा सा नाम दिया गया है, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उनको एक नाम दिया गया है, वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैंने कैसे बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये सेड है ना, से नहीं है, सेड है। तो सेड जो है ये सेकंड पर्सन है, तो इसलिए मैं जान गई ये कौन से टेंस में है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। क्या कहा मैंने, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में है, सॉरी आई एम सॉरी, अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, मतलब अगर यहां पर आपको सेज मिल जाए और विल मिल जाए या फिर, तो जान जाइएगा कि इधर वाले टेंस में चेंज नहीं होगा। जो चीज मैंने अभी कहा मैं उसको लिख देती हूं कि यदि
रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होंगे, चेंज होगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड वर्ब किसमें है, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा, मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। मैंने यही कहा आपसे कि इधर वाला जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम अच्छा सा नाम दिए हैं, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हमने नाम दिया है, उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, ठीक, तो उसमें कोई रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको फटाफट से नोट कीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूं। अब सुनिए, अभी जब मैंने आपसे बात कही थी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो मैंने आपको बताया था अगर सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेड टू। इसमें क्या दिया गया है, सेड के बाद टू दिया गया है, उसके बाद मी भी दिया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट गिवन है, तो सेट टू को हम किस में बदलेंगे, टोल्ड में। ठीक, और मैंने क्या बताया था, कॉमा हटाने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, दैट का, तो वही सिर्फ मैं लिखने जा रही हूँ, ही का ही लिख देंगे सिंपली। सेट टू को मैंने किस में बताया था अफर्मेटिव में चेंज करने के लिए, टोल्ड में, तो टोल्ड लिख देते हैं। मी का मी उतारते हैं, कॉमा हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट। अब जो मेन खेल है, मेन गेम है, वो कहां से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच से। तो देखते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए, अब आई दिया गया ना यहाँ पर, अब यहां से चेक कीजिए कि आई कौन सा पर्सन है। देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये पर्सन ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों के तीनों क्या है, पर्सन। तो यहां से मैच कराइए, आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन। ठीक, क्या हमने पाया कि आई, हम जान गए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फार्मूला से देखिए, फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है, ही है। ठीक, यहां कर लीजिए गोइंग टू, गोइंग माय स्कूल, गोइंग टू माय स्कूल, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में, मैंने यही बताया ना। तो आई किस में बदलेगा, ही में। तो देखिए, आई कहां है, यहाँ है, ही कहाँ है, यहाँ है। तो आई किस धाने पर, देखिए ही के लिए क्या लिखा गया है, ही, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही। कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं कि ये कैसे हो गया, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिए, इधर वाले का क्या लेते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच वाला है जिसको हम चेंज कर रहे हैं, इधर वाले का हम क्या लेते हैं, सिधाना। ठीक, और लिखते किधर वाले का है, लिखते इधर वाले का है। ठीक है जी, कि जो रिपोर्टेड स्पीच में है जिनको हम चेंज कर रहे हैं उसका सिर्फ हम सिधाना लेंगे, इसका वाला कुछ भी हम लिखेंगे नहीं, इधर वाले का हम लिखेंगे। इसलिए मैंने पहले मिलाया क्या, कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फॉर्मूला से मैंने देखा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलेगा, तो सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ है, तो आई किस में बदलेगा, ही में। तो आई वाले का हम क्या लेंगे, सिधाना लेंगे, और लिखेंगे किसका, ही का। तो एकदम सामने सामने मिलाइएगा कि आई किस धाने पर, देखिए ही के लिए क्या लिखा गया था, ही, तो हमने भी क्या लिख दिया, ही। अब देखिए टेंस चेंज में ये कौन सा टेंस है, इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने क्या बताया कि जितने के जितने प्रेजेंट टेंस हैं वो अपने सामने वाले पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सामने वाला कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई आपको, वाज और बेयर, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही सिंगुलर नंबर है, मैंने आपको बताया है ही, सी, इट, आई, इसके साथ क्या लगेगा, वाज। अब देख रहे हैं आप,
हर चीज में टेंस का यूज हो रहा है, तो जब तक आपने टेंस नहीं पढ़ा है, आपको टेंस की जानकारी नहीं है अच्छे से, तब तक आपको सारी चीजें टफ ही लगेंगी। तो ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? वाज। तो ही के बाद क्या लिखेंगे? वाज। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बदल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, तो मतलब गोइंग का मैं गोइंग उतार दूंगी। टू का टू ही होगा। अब ठीक, अब फिर आ गया देखिए क्या, माई। अब देखिए फिर से कि माई कौन सा पर्सन है, यहां देखिए माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ना, ये मतलब केस अलग है, ये सब्जेक्टिव है, माना मैंने कि ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये पोजेसिव केस है, लेकिन पर्सन तो फर्स्ट ही है ना, तो ये माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फिर से फॉर्मूले देखते हैं, फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में, तो माई कहाँ है, यहाँ, ये किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, ही में, तो माई कहाँ लिखा गया है, यहाँ, ही कहाँ लिखा गया है, यहाँ। मैंने आपको क्या बताया कि इधर वाले का सिधाना लेते हैं, लिखते किधर वाले का है, इधर वाले का, तो माई के सिधाने पर देखिए ही के लिए क्या लिखा गया है, हिज, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हिज, स्कूल का, स्कूल। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, माई यहां से देखिए कौन सा पर्सन था, फर्स्ट पर्सन, ही फॉर्मूले से देखिए फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, तो माई को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, ही, माई कहाँ लिखा गया था, यहाँ, और ही कहाँ लिखा गया था, यहाँ, तो एकदम सिधाने पे तो है नहीं ना, तो सिधाना तो हम इसी का ले रहे हैं, तो इसको इसके सिधाने पर लाएंगे कि नहीं, तो माई के सिधाने पर देखिए ही के लिए क्या लिखा गया है, हिज, ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। अब इसको फटाफट से नोट कीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई सेड टू यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, आई का आई लिखेंगे, आई लिख दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमने कैसे जाना अफर्मेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो सेड टू को हम अफर्मेटिव में क्या किसमें बदलते हैं, टोल्ड में, तो सेड टू के स्थान पर क्या लिख दीजिए, टोल्ड, यू का यू लिखेंगे, ठीक, कॉमा हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, दैट का। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन है, कैसे मैंने जाना, यहां से देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ना, तो सेकेंड पर्सन किस में बदलता है, फॉर्मूले देखिए, सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू ही है ना, तो यू तो चेंज होना नहीं है, क्योंकि यू के सिधाने पर देखेंगे, तो यू के लिए क्या लिखा गया है, यू ही लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, यू। अब देखिए ये कौन सा टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होता है हेल्पिंग वर्ब, वेयर, तो ये क्या है, प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, वेयर। अब माई देखिए कौन सा पर्सन है, यहाँ से चेक कीजिए, माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किस में बदलेगा, फॉर्मूले देखिए, सब्जेक्ट में, तो माई किस में बदलेगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो देखिए माई कहाँ लिखा गया है, यहाँ, आई कहाँ लिखा गया है, यहाँ, तो माई के सिधाने पर देखेंगे, आई के लिए क्या लिखा गया है, माई ही लिखेंगे, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, बेस्ट फ्रेंड, तो इसमें देख रहे हैं चेंज नहीं हो रहा है, तो बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही सारे सारे के सारे, मतलब कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ को कैसे हम बदलते हैं, कैसे सेज वाला टेंस चेंज करते हैं, इसका भी और सारा एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर डब्ल्यू एच कैसे चेंज होगा, यस या नो टाइप कैसे चेंज होगा, ऑपरेटिव कैसे चेंज होगा, एक्सक्लामेटरी कैसे चेंज होगा, तो इसमें बहुत सारे रूल हैं, तो वन बाई वन करके पढ़ते जाएंगे, खासकर ये बोर्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नाइन्थ में है अभी टेंथ की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखते रहिए, जो टेंथ में है उनका एग्जाम होने वाला है अभी दो एक दो दिन में इंग्लिश का, तो वो भी देखते रहिए, और जो ट्वेल्थ में है वो भी देखते रहिए, और समझते जाइए, आपको कोई भी चीज टफ नहीं लगेगी। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, तो शायद आपको समझ में आया होगा, मैंने जितना हो सका है उतने आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, तो
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।